हे एवरी वन, वेलकम टू अर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज है सैटरडे और मैं सोच रही थी कि कुछ सिंपल सा बनाऊं, बोरिंग भी ना हो। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल मखानी और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी तवा नान, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। यहाँ पे अगर आप चना दाल नहीं डालना चाहते हो तो टोटली ऑप्शनल है, उनमें से कोई एक चीज़ डाल सकते हो। चाहो तो आप राजमा डालो या फिर चना दाल डालो, बट मैंने दोनों डाला है। साथ में हम इसमें घी डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर मैंने डाला है, धनिया पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है। इसे हम बंद कर देंगे। पानी आपको उतना ही डालना है जितना आप अपनी नॉर्मल दाल में पानी डालते होंगे। नॉर्मल दाल जितनी बिसल में पकती है ना, उतनी ही बिसल आपको इसमें भी लगानी है। साथ ही साथ हम बना लेंगे एक पेस्ट। तो मैं यहाँ पे अदरक ले रही हूँ और मिर्ची ले रही हूँ। अगर आप लहसुन खाते हैं तो यहाँ पे लहसुन का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम कुछ टुकड़े डालेंगे मिक्सर जार में और इसे बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। दुरदुरा सा कूट कर भी डाल सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है, आप जैसा पसंद करते हो। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी एंड थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये इससे बहुत अच्छी तरह से पिस जाता है और हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम करेंगे गैस ऑन और एक पैन रखेंगे और हम तैयार करेंगे दाल मखानी का मसाला। तो मैंने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी डाल सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। इस दाल में ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ती, आप जितना सिंपल रखोगे ना उतना ही टेस्टी आता है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है और थोड़ा सा नमक। इन सबको हम बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हम इसे डालेंगे मिक्सर जार में और इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो जितना फाइन हो सके आप उतना इसे पाउडर को बना लें। अब मैं यहाँ पे टमाटर यूज कर रही हूँ, तो बरसात के टमाटर हैं तो इसलिए आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से कट करें। यहाँ पे दो टमाटर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे टमाटर की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आप जितनी क्वांटिटी में दाल को बना रहे हो। इसे भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमारी दाल भी पककर तैयार है। अब मैं लूँगी एक पैन और इसमें मैं डालूंगी घी। तो 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बटर तो यूज़ करेंगे ही इस दाल में। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी अपना पेस्ट और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाला हुआ है और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे। यहाँ पर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। तो मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। आप जितना स्पाइस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा भी आप पसंद करते हो। साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पे सबसे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि आपको टमाटर को यहाँ पे कितना पकाना है। मतलब जब किसी चीज़ में आप टमाटर डाल देते हो ना, तो वो चीज़ पकती नहीं है। हमारी जो दाल होती है वो 90% तक हम उसे पकाते हैं, इसके बाद जो 10% दाल होती है उसे हम बाद में पकाते हैं। तो टमाटर को आपको ना बहुत अच्छे से पका लेना है, मतलब कि टमाटर जो है ना आपका 90% तक कुक हो जाना चाहिए, ताकि जब आप इसमें दाल ऐड करो तो वो कच्ची ना रहे और किसी भी तरह से गुंजाइश ना रहे कि वो आगे पकेगी नहीं। क्योंकि टमाटर डालने के बाद, यानी खटाई कुछ भी आप डालो, तो चीज़ें पकती नहीं है। तो हमारी टमाटर जो है ऑलरेडी पक चुका है और बहुत अच्छे से पक चुका है। तो आपको भी कुछ इतना ही टमाटर को पकाना है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दाल जो कि हमने बनाकर रखी हुई थी। तो दाल बहुत अच्छे से पक गई और राजमा वगैरह भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। इसे हम थोड़ी थोड़ी करके चलाते रहेंगे, तो बहुत धीरे धीरे स्टर करें इसे और हम इसे 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से मक्खन डाल के। तो मैंने यहाँ पे ये होममेड मक्खन लिया हुआ है और उसे आपको मक्खन डाल के चलाना नहीं है, वैसे ही छोड़ देना है। अब हमारी जो दाल है वो 50% पक गई है, तो हम डालेंगे इस पर मसाला जो कि हमने दाल मखनी का मसाला बनाकर रखा हुआ था। इसे हम इसी तरह से धीरे धीरे, कम से कम आपको इससे 20 से 25 मिनट पकाना है। इस दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी दाल बनकर तैयार है और इसे मैं 2 मिनट के लिए और छोड़ूंगी पकने के लिए, ताकि जो इसकी ग्रेवी है थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाए। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी क्रीम। तो ये टोटली ऑप्शनल है क्रीम डालना। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो मलाई के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे भी आप डाल सकते हैं, यानी जो ऊपर का मलाई एक परत होती है ना, उसके नीचे जो मलाई का हिस्सा होता है उसे आप निकाल लें और इसमें डाल दें। हम अपनी नान बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्योर मैदे का नान नहीं बना रही हूँ, आधा मैदा मैं यूज़ करूँगी और आधा आटा यूज़ करूँगी। चाहो तो पूरा मैदा यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डालूंगी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूंगी, नमक डालूंगी एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी डाला हुआ है। आप चाहो तो चीनी पाउडर यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल चीनी भी यूज़। 2 चम्मच तेल डालेंगे और मैंने यहाँ पे दूध और दही को दोनों मिक्स कर लिया है और इसकी मदद से हम इसका एक डो तैयार करेंगे। आपको यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है किसी भी तरह से। आप यहाँ पे जितना दूध ले रहे हो उसका आधा आपको
आपको जो है दही लेना है, तो खट्टा दही नहीं लेना, ताज़ा दही लेना है। और कुछ इस तरह से हम इसे गूँथ लेंगे, बीच में इस तरह से लाकर गूँथेंगे ना तो इसमें एयर बनेगी, जिससे कि ये हमारे बहुत अच्छे से फूले फूले बनेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक कर रख दिया था। और ये देखिए हमारा जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े। तो आपको नॉर्मल रोटी की तरह पेड़े नहीं बनाना है, कुछ इस तरह से आपको पेड़ा तोड़ना है एक, और इसी तरह से बनाना है। बाकी का आप कपड़े से ढक कर रख दे ताकि ये सूखे नहीं। अब मैं इसे ओवन शेप में बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें। इसे हम बहुत अच्छे से बेल लेंगे, तो ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। साथ ही साथ ऊपर मैं कलौंजी लगाऊंगी और थोड़ा सा धनिया लगाऊंगी और थोड़ा सा इसको हम वापस से बेल लेंगे। तो आप पलट लें पीछे की साइड और बहुत अच्छे से इसमें पानी लगा लें। अगर आपका नान भी जो है तवा से चिपकता नहीं है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी कि आपका जो तवा है वो बहुत गर्म होना चाहिए, और आप आयरन का तवा ही यूज़ करें, यानी कि आपको लोहे का तवा ही लेना है। और अच्छी तरह से आप इसमें पानी लगा लें अपनी नान में, ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो मैंने बहुत अच्छे से पानी लगा के इसे इसमें तवे में डाल दिया, और आप देख रहे हो मैंने इसको हाथ से दबा दबा कर चिपका दिया। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब हम कुछ इस तरह से तवे को उठाएंगे और इस तरह से सेक लेंगे, तो जैसे जैसे ये सिकता जाएगा ना, वैसे वैसे इसमें बबल्स आते जाएंगे और ये बहुत परफेक्ट बनता है। आप देखते जाना, जैसे जैसे ये सेकेगा ना, वैसे वैसे इसका कलर भी और टेक्सचर भी सेम वैसे ही आएगा जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हो। तो ये देखिए हमारा नान जो है बनकर तैयार है। ऊपर से मैं लगाऊंगी घी, आप चाहो तो यहाँ पे बटर का यूज़ कर सकते हो, बट घी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारी नान बनकर तैयार है। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस रेसिपी को किस तरीके से बनाते हो ये भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट रेसिपी के।